एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं मनभावन टेकरी, जो कि भोपाल में ही है। आई थिंक लाल घाटी के पास है, मुझे अभी अच्छे से तो नहीं पता है। तो सानू का एकदम से प्लान बना, तो बोलते कि चलो चलते हैं आज घूमने के लिए, क्योंकि ना बहुत दिन से मैं थोड़ा सा बोर भी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। तो अभी 5:30 बज रहे हैं और आने का टाइम तो ऐसा एक्चुअल कुछ पता नहीं है, बट फिर भी 8 तो बज जाएंगे, क्योंकि हमारे घर से ना दूर है कम से कम 1 से 1.5 घंटा, तो आने जाने का ही लग जाएगा एंड घूमने का टाइम वो भी जाएगा ज़्यादा ही। तो अभी चलते हैं और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सो गाइज, हम निकल लिए हैं अब घर से और ये व्यू कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो। भोपाल एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, यहाँ पे आपको बहुत सारी जगह घूमने को मिलती हैं यार। और ये जो अभी बरसात का मौसम है ना, तो आप देखो पानी वगैरह कितना अच्छा दिख रहा है, कितना ज़्यादा पानी हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ हमारे घर से ना काफ़ी दूर है, तो अब देखते हैं, यहाँ से कम 1/2 घंटा तो हमको लग ही जाएगा वहाँ पहुँचने में। और बस अब यहाँ से नज़दीक ही है, तो पहुँच के मैं पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगी। एंड अब हम लोग अंदर आ गए हैं, तो अभी बार बात हो रही थी भाई, ऊपर आप बाइक से भी जा सकते हो, लिफ्ट भी है, ऑटो भी कर सकते हो आप। तो बस वही बात हो रही थी, तो हम लोग तो बाइक से ही गए, बाइक से ज़्यादा मज़ा आता है ना यार, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे क्या ऊपर बोलते हैं ना, घाटी घाटी जो है, तो ऊपर चढ़ाई 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 थी यहाँ पे, तो मज़ा भी बहुत आ रहा था, हरियाली भी थी, मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था ना, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और बस अब ऊपर पहुँचते हैं और ऊपर पहुँच के मैं आपको पूरी वीडियो अच्छे से दिखाऊंगी, ठीक है? तो जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ओके? और जब पूरी वीडियो देख लोगे अच्छी लगेगी तो शेयर भी कर देना, और जो लोग अभी तक नहीं घूमे हैं यहाँ पे तो वो लोग घूमने भी आ जाएंगे। तो बस यहाँ पर पार्किंग लगाएंगे बाइक, और ये देखिए यहाँ पे पता व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा, जैसे आप फ़ोटोशूट कराने आ सकते हो, वीडियो बनाने आ सकते हो, उस हिसाब का ये व्यू है। तो यहाँ पे पहले एक मंदिर है, तो चलते हैं। देखो सानू आगे आगे निकल लिए, बहुत जल्दी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे सिर्फ 7 बजे तक है, और घर से ही तो हम 5:30 बजे निकले थे, तो हमने कहा नहीं टाइम से पहले हमें घूमना भी होगा ना, तो बस यहाँ पे जूते चप्पल उतारे हमने और अब हम चलते हैं ऊपर। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पे ये जो है मंदिर है, कुछ थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ हैं, ठीक है? तो ऊपर चलते हैं, ऊपर फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं है, तो मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि यहीं से मना कर दिया था कि आप अंदर जाके कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाओगे। और ये रहा यहाँ का व्यू, ठीक है? बहुत भीड़ रहती है यार यहाँ पे, और संडे के दिन तो ज़्यादा ही भीड़ होती है, क्योंकि सबका हॉलीडे होता है ना, तो यही तो एक डे है इंजॉय वाला। तो बस देखते जाइए अब आप लोग। और ये काफ़ी ऊंचाई पे है, जब यहाँ से आप देखते हो ना, तो आपको भोपाल की बहुत सारी प्लेस दिखती हैं, घर तो इतने छोटे छोटे से लगते हैं। तो बस अब हमने मंदिर के अंदर दर्शन कर लिए, बट वहाँ पे वीडियो नहीं बनानी थी, तो कोई नहीं, ठीक है? और आप लोग अभी तक नहीं आए हो ना, तो यहाँ पे एक बार विज़िट ज़रूर करना, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है? ऊपर चलते हैं, अब ऊपर देखते हैं कि क्या है। मैं पीछे पीछे शूट करते जा रही हूँ, सानू आगे आगे जाते जा रहे हैं, कभी कभी वो भी शूट कर देते हैं, बट जब उनका मन नहीं होता तो मुझे शूट करना होता है। तो ये देखिए यहाँ पे बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे झूले भी हैं, आइसक्रीम भी है, फास्ट फूड भी है, लगभग यहाँ पे कुछ है। तो यहाँ पे आप आते हो ना तो 1-2 घंटे का समय लेके आओ, देखो अब कितना अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ पे, मतलब बहुत बड़ी बड़ी जो कॉलोनियाँ हैं ना सब दिखते थे, छोटा छोटा सब दिखता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊँचाई पर है ना ये, इसीलिए। तो बस अब मैं भी यहाँ पे फ़ोटो निकलवाऊँगी, वीडियो बनवाऊँगी एंड आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, ठीक है? आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, या फिर भोपाल का से कोई प्लेस है जो आपने नहीं घूमा हो और आप लोग चाहते कि ऐसा कोई प्लेस आपको चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये व्यू दिख रहा है, तो आप लोग मस्त इंस्टा के यहाँ पे वीडियो बना सकते हो, फ़ोटो निकलवा सकते हो, और अपने पार्टनर के साथ यहाँ बैठ के खुले आसमान में टाइम स्पेंड कर सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी लवर भी मुझे देखने को मिले, क्योंकि ऊंचाई पे है, तो भाई उन लोगों के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। और आप फैमिली के साथ भी आ सकते हो, यहाँ पर फास्ट फूड है,
बट हमने यहाँ से कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि हम जब निकले थे ना तो घर से खा कर ही निकले थे थोड़ा बहुत, तो अभी तो हमें बिल्कुल बिल्कुल भी भूख नहीं थी। बट देखते हैं बाहर निकलेंगे जब थोड़ा बहुत कुछ भूख लगेगी तो फिर हम लोग खा लेंगे। एंड आप लोग मेरे साथ साथ आई थिंक एंजॉय कर रहे हो, तो कैसा लग रहा है आपको मेरा वीडियो ये भी मुझे कॉमेंट करके आप लोग ज़रूर ज़रूर से बताना, ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइम मैंने सोचता था कि मैं अभी लिफ्ट से ऊपर नीचे ही आऊँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना लिफ्ट में मैं बैठी नहीं हूँ, पर मुझे बाइक ही ज़्यादा अच्छी लगती है यार, क्या बताऊँ, ठीक है। तो ये देखिए अब आगे चलते हैं और मैं आपको पूरा व्यू यहाँ पास से दिखाती हूँ। ये इसको ना उड़न खटोला बोलती थी मैं पहले, एंड अब तो मैं लिफ्ट ही बोलती हूँ। तो बस ये रहा आपका मनुभान टेकरी, जिसे आप बोलते हो ना क्या, हनुमान टेकरी, यस, जिसे हनुमान टेकरी के नाम से भी जाने जाता है एंड मनुभान टेकरी के नाम से भी इसे जानते हैं। तो दोनों नाम एक ही हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस है। मस्त टिफ़िन बना कर लेकर आओ ग्रुप में और यहाँ पे साथ में बैठकर खाओ, तो अभी बहुत इंजॉय होगा, व्यू भी मस्त है, लंच भी मस्त मस्त हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का। एंड मैंने आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छे से वीडियो दिखाने की पूरी पूरी कोशिश की है। एंड अब हम लोग वापस हो रहे हैं क्योंकि 7:30 बज चुका है एंड अब हमको टाइम से घर भी पहुँचना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो थोड़ा सा अंधेरा होने लगा है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूल।